इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे मिस कॉल करना पड़ता है, OTP एक आता है। तो कभी कभी लोगों से हम ये कहते हैं कि वो OTP आप हमको दे दीजिएगा, तो वो OTP देने में हमको डरते हैं, उनको लगता है कि हमने जो अपनी जमा पूंजी अभी तक जमा की है बैंकों में, कहीं ऐसा ना हो कि इस OTP के थ्रू निकल जाए। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये शिक्षा का अभाव है, कि अगर आप ईमानदारी और सिद्धांत के आधार पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आजकल की राजनीति हो गई है कि राजनीति एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, तो जो चीज़ कमाया जाता है उसका एक अंत होता है कि माने आपने पैसा कमा लिया है तो कभी ना कभी उसका अंत हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ईमानदारी से अपना नाम कमा लिया है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो लोगों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ देता है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में आने लगी है, और ऐसी सुगबुगाहट में कई सारे नेता हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं जो संभावित हैं, वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। प्रदेश में देश के केंद्रीय नेताओं की भी सक्रियता बढ़ी है। बीते दिनों कई बार हर क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के, इसके साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी आते जाते रहे हैं। हम यहां पर पहुंचे हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र, और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता और जैसी उम्मीद जताई जा रही आगामी विधानसभा चुनावों में संभावित उम्मीदवार सरिता पांडे जी हमारे साथ हैं। सरिता पांडे जी मध्य प्रदेश के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री की पुत्रवधू हैं और राजनीति में एक सक्रिय परिवार से आती हैं। इसके साथ ही साथ रीवा राजनीति के युग पुरुष कहे जाने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री जी से भी इनके पारिवारिक जुड़ाव रहे हैं, और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो सरिता जी, मैं स्वागत करता हूं आपका द खबरदार न्यूज़ पर, और शुरुआत आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही हम करेंगे। आपके ससुर जी यहाँ मध्य प्रदेश शासन में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे, तो क्या अनुभव रहे हैं, क्या उनके विचार रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहें। उनसे मुझे यही अनुभव प्राप्त हुआ है कि अगर आप ईमानदारी और सिद्धांत के आधार पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आजकल की राजनीति हो गई है कि राजनीति एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है, तो जो चीज़ कमाया जाता है उसका एक अंत होता है कि माने आपने पैसा कमा लिया है तो कभी ना कभी उसका अंत हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ईमानदारी से अपना नाम कमा लिया है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो लोगों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ देता है। तो मेरे ससुर जी ने भी यही किया कि जब वो राजनीति में आए, जन सेवा उनका प्रमुख लक्ष्य था, एक एक की समस्याओं को सुनना, समझना और उसको दूर करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। मुझे भी उनसे यही अनुभव प्राप्त हुआ है कि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ तो मैं उसे विधानसभा क्षेत्र नहीं मानती हूँ, लोगों के लिए वो होगा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन मैं सिरमौर को अपना घर, अपना परिवार मानती हूँ, वहाँ के लोगों को मैं अपना पारिवारिक सदस्य मानती हूँ। यमुना प्रसाद शास्त्री जी भारतीय राजनीति के एक महान पुरोधा रहे हैं, और ना सिर्फ रीवा, ना सिर्फ सिरमौर जो उनकी कर्म क्षेत्र रही है, विधानसभा क्षेत्र रहा, फिर वो सांसदी लड़े यहाँ से, तो ना सिर्फ रीवा बल्कि उनकी संपूर्ण राष्ट्र में जो है एक महत्वपूर्ण पहचान रही है। क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने कभी धरने पे बैठ जाया करते थे, या फिर जो है कभी विधानसभा में बड़ी ज़ोर से जो है क्षेत्र की समस्याओं को उठाया करते थे, और उन्हीं के शिष्य के तौर पर आपके ससुर जी जाने जाते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो तो उन्होंने राजनीति सीखी। तो यमुना प्रसाद शास्त्री के जी के बारे में आपके ससुर जी, अगर आपसे कभी रूबरू हुए, उनके बारे में कुछ बताया करते रहे हो, कुछ ऐसे अनुभव रहे हो, या फिर जो शास्त्री जी के बारे में आप मानती हैं तो उस बारे में कुछ जानना। सबसे पहले तो मैं पूज्य चाचा जी को सादर नमन करती हूँ, और 20 जून को उनका जन्म हुआ था, और ये ये जो तारीख है वो आपको इन अंग्रेजी कैलेंडरों में भले ना मिले, लेकिन ये सभी के हृदय रूपी पांचांग में ये तिथि अंकित है कि 20 जून को एक ऐसे कर्मयोगी का जन्म हुआ था जिसने अपना पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित कर दिया।
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री चाचा जी जो थे तो वो मेरे ससुर जी को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और हमेशा छोटे भाई की तरह ही मतलब उनको सिखाया करते थे, स्नेह देते थे कैसे अपने को आगे जनसेवा में बढ़ना है, ये चीज़ें करते थे। वो नेत्रहीन थे, लोग उनके बारे में अच्छी बातें भी करते थे, बुरी बातें भी करते थे, लेकिन मेरे जैसे और बहुत से लोगों का ये मानना है और मेरा तो खुद का मानना है ही कि जैसी राजनैतिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि कहना चाहूँगी कि जैसी राजनैतिक दिव्य दृष्टि जो है श्री यमुना प्रसाद शास्त्री चाचा जी की थी, उसी प्रकार की दिव्य दृष्टि आज के राजनेताओं को अगर मिल जाए तो जो है तो राजनीति उच्च शिखर पर चला जाए। और जो हम कहते हैं ना कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो हमारा देश जो है तो विश्व गुरु बनने की राह पे आगे की ओर बढ़ जाए अगर श्री सीता प्रसाद जी शर्मा, पूज्य ससुर जी और आदरणीय चाचा जी जैसी राजनीति आज के राजनेता करने लग जाए। तो आपसे पूर्व आपके परिवार में राजेंद्र जी राजनीति पर सक्रिय थे, उसके बाद आप लगभग एक वर्ष पूर्व जिला पंचायत चुनाव के ठीक पूर्व आप राजनीति में सक्रिय हुई, तो क्या विजन रहे हैं, क्या दृष्टिकोण रहे हैं और कैसे अपने ससुर जी के राजनीतिक विचारधारा को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जो क्षेत्र की जनता थी वो चाहती थी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में कदम रखूँ और पिताजी के सिद्धांतों के आधार पर आगे की ओर बढ़ूं, उनके सिद्धांतों को आगे ले जाऊं। और सभी के कहने पर फिर मैं चुनाव के लिए तैयार हुई कि ठीक है, मैं चुनाव में तैयारी करती हूं। लोग ये कहा करते थे कि माने पिताजी के समय के बहुत सारे ऐसे अधूरे कार्य हैं, तो आप क्षेत्र में आइए उनके सिद्धांतों को लेकर के और आप मतलब उन कार्यों को गति प्रदान कीजिए। तो मैंने भी पिताजी के अनुभव को अपने हृदय में उतार करके और मैं भी मैदान में आ गई कि मैं क्षेत्र के लिए अगर कुछ कर पाती हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जिला पंचायत चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा, एक प्रश्न है उसी जिला पंचायत चुनावों से जुड़ा हुआ। चुनाव होने के पश्चात जब गिनती हुई तो उसके कुछ दिनों तक ये चर्चाएं थी कि सरिता पांडे जी जिला पंचायत चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन जब प्रमाण पत्र वितरित हुए तो जिला पंचायत क्रमांक 7 से जो तो राकेश सिंह विजयी चुने गए। तो इस बीच का जो ये मध्यांतर था, इस बीच जो चुनावी सरगर्मियाँ थी या जो रिजल्ट को लेकर के ये दोहरा भाव था कि एक तरफ आप जीते हुए प्रमाण पत्र किसी दूसरे को दिया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण था और इस दौर में क्या झेला? देखिए, इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं वो लगातार मेरा विरोध करते रहे। पहले तो पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत नहीं करने दिया और इसके बावजूद जो है तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा थी तो उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत वो राकेश सिंह जी का प्रचार प्रसार करते हुए कई जगह पाए गए और पूरी तरह से उनका साथ उनको मिला हुआ था। और यहाँ पे एजेंट की खरीद फरोख्त और चुनावी परिणामों को बदलने का पूरा जो भी प्रयास किया गया उसमें आदरणीय SDM साहब और दिव्यराज सिंह जी का भरपूर योग और राजनीतिक संलिप्तता की बात आप कर रहे हैं। क्या आपने इसका किसी स्तर पर विरोध किया या फिर किसी स्तर पर आपने न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया कि इस तरह से हुआ है तो हमें न्याय? मैंने कई तरह से शिकायत करने का प्रयास किया था, मैंने ये भी जानकारी भी देने की कोशिश की थी कि जैसे नेबुहा पंचायत की ही बात कर लीजिए तो उसमें सरपंच पद में 1050 वोट पड़े थे, इसी प्रकार से जनपद में भी 1050 वोट पड़े थे, लेकिन इसमें जिला पंचायत में 1250 वोट उसमें पड़े थे। इस चीज़ को मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया और हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक संलिप्तता की वजह से ऐसा संभव हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। जी, मैं अपने आप को जनता के द्वारा जीता हुआ ही मानती हूँ और जनता के द्वारा मैं हारी नहीं थी, लेकिन इस पे राजनीतिक संलिप्तता ही थी जो कि हार का कारण बनी। फिर आप आम आदमी पार्टी में आई, सामान्य तौर पर जितने उम्मीदवार थे चुनावों के बाद
उनकी सक्रियता खत्म हो गई। लेकिन चुनाव के पश्चात भी आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लगातार क्षेत्र के लोगों से मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी में अब आप वर्तमान समय में हैं, तो क्या ये आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आपकी तैयारी है या फिर जनता से जुड़ने का सिर्फ एक माध्यम? एक तरह देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी तय करेगी और आगे वाला आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो पिताजी अपना संबंध बना करके चले गए थे क्षेत्र में, जनसेवा के द्वारा लोगों में अपने हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ गए थे, मैंने उन्हीं संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उन्हीं संबंधों में प्रगाढ़ता लाने की एक कोशिश की है। और मेरा ये उद्देश्य रहा है कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, लोगों की समस्याओं के समाधान में अपनी हिस्सेदारी दे सकती हूँ, तो मुझे क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब क्षेत्र में जाते हैं तो जो आपके ससुर जी का पूर्व जीवन रहा है, जिन संबंधों को आप पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हैं, तो किस तरीके से ऊर्जा मिलती है एक नेता के तौर पर, एक पूर्व मंत्री के बहू के तौर पर क्या ऊर्जा मिलती है लोगों से, क्या संबंध रहे हैं? जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि लोगों के हृदय में पूज्य पिताजी के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। अभी भी मतलब हृदय की ऊंचाइयों में लोग उनके नाम को रखते हैं और मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ जब लोग मुझे बताते हैं। मतलब जितना मैंने ठीक है अपने परिवार में सुना कि पिताजी ने ये काम किया अपने समय में, क्योंकि उस समय तो मैं थी नहीं यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ सुना मतलब अपने घर परिवार में कि पिताजी ने ऐसा काम किया था, इस क्षेत्र में ये किया, ये पुल बनवाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया। लेकिन जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में तो लोग मुझे बताते हैं कि मतलब सार्वजनिक काम में भी मतलब पिताजी अच्छे से अपनी हिस्सेदारी निभाते थे, लोगों के व्यक्तिगत काम भी करते थे। लोग कहते हैं इसकी नौकरी लगवा दिए, ये काम करवा दिए, वो काम, मतलब लोग एक काम की लिस्ट है लोगों के पास कि सीता प्रसाद पंडित जी जो हैं तो क्षेत्र के लिए एक तरह से वरदान थे और आज के समय में उन्हीं के जैसे राजनेता की आवश्यकता है। तो आप उनकी जो विचारधारा थी उसको बढ़ाने की कोशिश में हैं? हाँ, मैं सोचती हूँ कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं क्षेत्र में राजनीति करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा उद्देश्य है कि राजनीति को बदलना चाहिए। ये जो आजकल की राजनीति हो गई है वोट बैंक वाली और रुपए पैसे वाली, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के बीच में जाएँ, उनकी समस्याओं को सुने और अपने स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, हम मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आपको सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया और हम ये भी मान लेते हैं कि आप सिरमौर से विधायक चुन ली गई, तो फिर सिरमौर के लिए क्या बेहतर होगा या आपका विजन सिरमौर को बेहतर बनाने के लिए क्या है, इस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो है तो जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा हमको प्रदान किए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर अगर काम कर लिया जाए तो लगभग सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सिरमौर में बेहतर शिक्षा, जैसे दिल्ली का मॉडल है, पंजाब में भी यही मॉडल है, उसी तर्ज पर शिक्षा जो है सिरमौर में भी हो, उसी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं, व्यवस्थाएं जो हैं सिरमौर में भी हो, लोगों को रोज़गार मिले, बिजली पानी के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जनता की इन ज़रूरतों पर विशेष तौर पर काम होना चाहिए और मुख्य रूप से भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये समस्याएँ हैं सिरमौर विधानसभा में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं, कुछ अभाव में हैं, कुछ प्रभाव में हैं, तो ये बहुत हद तक एक तरह से मतलब राजनीति को प्रभावित करते हैं। यहाँ इसमें बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान समय में क्षेत्र में जाती हैं, क्या कमियाँ देख रही हैं और किन कमियों को दूर करना आपकी प्रमुख प्राथमिकता में शामिल है? जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि शिक्षा की ही लोगों में कमी देख रही हूँ, क्योंकि जैसे अभी हम लोग पार्टी के लिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक नंबर देते हैं, उस नंबर पे मिस कॉल करना पड़ता है, OTP एक आता है, तो कभी कभी लोगों से हम ये कहते हैं कि वो OTP आप हमको दे दीजिएगा, तो वो OTP देने में हमको डरते हैं,
उनको लगता है कि हमने जो अपनी जमा पूंजी अभी तक जमा की है बैंकों में, कहीं ऐसा ना हो कि इस OTP के थ्रू निकल जाए। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये शिक्षा का अभाव है। अगर हमारे यहाँ लोग शिक्षित हों तो सही गलत का अपने आप फैसला कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, ये कमी है सबसे। स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे यहाँ नहीं हैं, उस पर भी सुधार होना चाहिए। बेरोजगारी आजकल इतनी हद तक है कि मतलब युवा जो हैं तो नशे का शिकार हो रहे हैं, अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर उनको रोजगार की सुविधाएं मिल जाएंगी तो जो हमारा युवा है वो जो आज अपराध में संलिप्त हो रहा है, नशाखोरी में संलिप्त हो रहा है, वो कम से कम देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहभागी बनेगा। जो एक नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मकता में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ जी जी बिल्कुल, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करना ही पार्टी का विजन है कि हम क्षेत्र में जाकर जो है तो जनसेवा का कार्य करें, शिक्षा के मुद्दे पर काम करें, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर हम काम करें। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो सिरमौर को वास्तविक सिरमौर बनाने की योजना आपकी सफल हो पाएगी। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे दिल्ली का मॉडल है वैसा सिरमौर में भी मॉडल आए, वैसे पूरे MP में मॉडल आए। तो हमारा तो पार्टी का ये उद्देश्य ही है। और क्या लगता है अभी जब क्षेत्र में जाती हैं, संभव है, हो पाएगा? देखिए जिस हिसाब से मैं क्षेत्र में लोगों से मिलती हूँ तो लोगों में काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति असंतुष्टता समझ में आती है और लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चर्चा में जुड़ी और आपने अपने अनुभवों के साथ साथ अपनी राजनीतिक विचारधारा की भी बात हमारे साथ रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल का हिस्सा बनाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सरिता पांडे जी, जिन्होंने सिरमौर की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के, वर्तमान परिदृश्य को लेकर के, और अगर आम आदमी पार्टी को सिरमौर में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो उनके क्या विजन होंगे, क्या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, दूरदर्शिता है, इस विषय को लेकर के चर्चा की। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।